नमस्कार। आज का हमारा पाठ है माता का आंचल और इसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने। सबसे पहले लेखक कहता है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। यानी कि जहां छोटी उम्र के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वहां मृदंग बजता है, यानी हंसी मजाक होता है और मौज मस्ती होती है, लेकिन जहां बूढ़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां खर्चे का रोना पीटना मच जाता है, यानी तंगी हो जाती है। लेखक कहता है कि उनके पिता सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ में बैठ जाते थे और बचपन से ही लेखक का अपने पिता से बहुत अधिक प्यार था। माँ से तो केवल दूध पीने तक का नाता था और पिताजी के साथ वह बैठक में ही सोया करते थे। सुबह सुबह उठकर के उनके पिताजी उन्हें नहला धुलाकर भुभुत तिलक लगा देते थे और कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर उनके चौड़े ललाट पर त्रिपुंड का तिलक बना देते थे, भुभुत का तिलक बना देते थे। और उनके बाल भी बड़े बड़े थे और यह भुभुत लगाने से वह बिल्कुल शिवजी भगवान बम भोला जैसे बन जाते थे। पिताजी उन्हें बड़े प्यार से भोलानाथ कह करके बुलाते थे। वैसे उनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था। वह अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माताजी को मैया कहते थे। जब उनके बाबूजी रामायण का पाठ करते तो वह बगल में बैठे बैठे शीशे में अपना मुंह देखा करते थे और जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे कर लेते। लेखक कहता है कि जब वह देखते कि हम शीशा देख रहे हैं तो हम अपना लजा करके शीश झुका लेते थे। पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखने लगते और उन्होंने राम नामा बही पर हजार बार राम का नाम लिख करके उसकी पोथी बांध रखी थी और फिर उसे मछलियों को खिलाया जाता था। उस समय भी लेखक उनके कंधे पर रहते थे जब वो मछलियों को आटा खिलाने जाते थे। जब गंगा की में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तो लेखक उनके कंधे पर बैठ कर के हंसा करते थे और जब वह मछलियों को चारा देकर घर लौटने लगते तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर बैठा करके लेखक को झूला झुलाया करते थे। लेखक के बाबूजी उनसे कुश्ती भी किया करते थे और जानबूझकर उन्हें जिता दिया करते थे। फिर लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते, उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते और वह हंसते हंसते उनका माथा चूम लेते थे। फिर बाएं का खट्टा चूमा देते और दाएं का मीठा चूमा, इस तरह से उनके कोमल गालों पर अपनी मूछें गड़ा देते थे और झुंझला करके हम उनकी मूछें नोचने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ हम भी चौके पर खाने को बैठ जाते और पिताजी अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान करके खिलाते थे। भात होता है चावल, दोनों मिलाकर के गोरस के साथ मिलाकर के उन्हें खिलाते थे। जब वह खाना खा करके अफर जाते, यानी थोड़ा उनका ज़्यादा पेट भर जाता, तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। मैया कहती कि थोड़ा सा और खा लो। तब बाबूजी कहने लगते कि आप तो चार चार दाने की कोर बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब जाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। कहते थे कि जब बड़े बड़े ग्रास खाएगा तो उसके दुनिया में अच्छा नाम होगा। इस प्रकार से माँ कभी मैना बनाती, कभी कबूतर, कभी हंस और कभी मोर बना करके उन्हें खाना खिलाया करती थी। जब वह बनावती चिड़ियों को चट कर जाते थे तो बाबूजी कहते कि अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, यानी कि अब तुम बाहर जा कर के खेलो। फिर बस लेखक खेलने कूदने और उछलने कूदने लग जाता, काठ का घोड़ा बनाता, कभी नंग धड़ंग ही बाहर गली में चला जाता और मैया अचानक पकड़ करके ले आती। लाख छटपटाने पर भी वह उनके सिर में कड़वा तेल लगा देती थी और जब वह रोने लग जाते तो बाबूजी गुस्सा होते थे माँ पर और फिर वह हमारे तेल लगा करके, उबटन लगा करके हमें छोड़ देती थी। नाभी और लिलार में काजल की बिंदी लगाती, काजल की बिंदी माथे पर लगाई जाती थी, उनकी चोटी गूंथती जाती थी
और फिर फूलदार लट्टू बांध करके रंगीन कुर्ता पहना दिया जाता था। इस प्रकार से वह कन्हैया की तरह लगा करते थे और बाहर आते ही बाट जोहने वाले बालकों का झुंड मिल जाता। उनके साथ खेलते खालते गली में चले जाते और तमाशे करने लगते। तमाशे भी कैसे, तरह तरह के नाटक। चबूतरे में एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठते थे वही रंगमंच बन जाती, उसी को वो अपना स्टेज बना लेते और उसी पर सरकंडे के खंभे से कागज का चंदोवा तान करके मिठाइयों की दुकान लगा ले जाती। उस मिठाई की दुकान में लड्डू, पत्तों की पूड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े, इन सब से बतासे आदि मिठाई जचा ले जाती। और जो ठीकरे होते हैं यानी टूटा हुआ घड़ा होता है, उसके छोटे छोटे पैसे बना लिए जाते थे। बच्चे ही खरीदार होते और बच्चे ही दुकानदार होते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा करके घरौंदा बना लेते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बना लेते। दातून से खंभे बनाते और माचिस की तीलियों से पेटियों के किवाड़ बनाए जाते। घड़े के मोंडे की चूल्हा चक्की और दिए की कढ़ाई बनाई जाती थी। बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी कलछी बनती थी, पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी बनाया करते थे। जब जीमने बैठते थे तो बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे और उनको बैठते देख कर कि हम हंस कर घरौंदा बिगाड़ कर के भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लौट पाट हो जाते और कहते कि कब भोज होगा भोलानाथ। इस प्रकार से उनके बाबूजी उन्हें बहुत लाड़ प्यार में रखते थे। जब वह कभी कभी बारात का जुलूस निकालते तो कनस्तर का तंबूरा बजाते और शहनाई बजाई जाती, चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी और सभी हम समधी बनकर के बकरे पर चढ़ लेते थे। चबूतरे के एक कोने से चल करके बारात दूसरे कोने में जाकर के दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे और आम केले की टहनियों से सजे हुए आंगन में कुल्हिये का कलसा रखा जाता था। मिट्टी का बना हुआ एक कुल्हिया होता है, कटोरा होता है, वह रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली का लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। एक कपड़ा डालकर के रेड कलर का खटोली पर यानी छोटी खाट पर तो उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुँह नहीं रखने लगते त्यों ही हम हंस करके भाग जाते। इस प्रकार से लेखक अपने बचपन की छोटी मोटी हंसी वाली बातें बता रहा है। थोड़ी